आज हमारे परम श्रद्धे गुरुदेव, जिन्होंने हमको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया था, जिनके ज्ञान के बदौलत मैं आप लोगों के बीच में हूँ, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर का मैं इस कार्यक्रम में, इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा एक सवाल है सर कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप जो है भारतीय संस्कृत की मेल जोल की परंपरा पर वो किस तरीके से इसे प्रेरणा के रूप में लें। देखिए, विविधता हमारी थाती है और आज भी गांव में बहुत बरकरार है। सामान्य आदमी मेल जोल को प्रशय देता है, वहाँ धर्म या जाति का या क्षेत्र भाषा का कोई महत्व तो नहीं है। राजनैतिक दृष्टि से सत्ता और संसाधनों पर प्राप्त करने पर कब्जा के लिए ये हजारों हजार साल से इस तरह के संस्कृतियों को नकारने की प्रवृत्ति रही है और आज भी इसे खारिज करने की प्रवृत्ति है, जबकि ये हमारी परंपरा जो भारतीय परंपरा है वो जोड़ने की परंपरा है। तो हम जोड़ने की परंपरा को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी शांति के दिनों में ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है, विकास के नए आयाम तय कर सकते हैं और बेहतर भारत बन सकता है। तो ये विविधता हमारी थाती है, हमें इसे बचाए रखना है, इसे संजो कर रखना है और इसके बने रहने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे और ये उसमें एक कदम था। थैंक यू सो मच सर। अतिथि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सर, जो कि प्राचार्य हैं श्री डीआर महिला महाविद्यालय वाराणसी के, उनका स्वागत करने की कृपा करें माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ और मोमेंटो द्वारा। प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा सर हैं, जो कि दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी से आए हैं। मैं चाहूंगा कि संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर बालकेश्वर सर उनका स्वागत करने की कृपा करें। शाहिद परवेज सर हैं, जो कि प्राचार्य हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय भदोही के। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार आर्य सर से आग्रह करूंगा कि वे आए और उनका स्वागत करने की कृपा करें। समय देखिए सर। माननीय प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र यादव सर का स्वागत करने के लिए मैं पुनः प्रोफेसर बालकेश्वर सर को बुलाना चाहूंगा कि उनका स्वागत करने की कृपा करें। जो हमारे इस जो आज का हमारा कार्यक्रम है उसके संयोजक प्रोफेसर बालकेश्वर सर को माल्यार्पण के लिए मैं विकास सर को बुलाना चाहूंगा राजनीति विज्ञान विभाग से कि वे आए और उनका स्वागत करें। विकास सर। गीत के माध्यम से स्वागत करने के लिए मैं बीए प्रथम वर्ष के संगीत विभाग की छात्राओं ओजस्वी, तेजस्वी और अर्चना को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और अपने गीत के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आसे गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सारे गा मग मग रे मग मग रे नी सारे गरे गरे सा गरे गरे सा सारे गा मग मग रे मग मग रे नी सारे गरे गरे सा गरे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है देव की भांति पूजन
करे आज हम स्वागतम 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 देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं आपको अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 करते हैं आपको अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 धन्यवाद। अगली कड़ी में अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनको सम्मानित करने के लिए राजेश सर को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। प्रदान करने के लिए मैं हिंदी विभाग से श्रीमती सिंह मैम को बुलाना चाहूंगा। प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा सर का स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मानित करने के लिए मैं विपुल सर को बुलाना चाहूंगा जो कि मनोविज्ञान विभाग से हैं। हार्दिक स्वागत करने के लिए और उनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए साथ ही आज के विषय का प्रवर्तन करने के लिए मैं संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर बालकृष्ण शुक्ल बुलाना चाहूंगा। आज बहुत खुशी का कि आज हमारे परम श्रद्धे गुरुदेव जिन्होंने हमको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया था जिनके ज्ञान के बदौलत मैं आप लोगों के बीच में हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर का मैं इस कार्यक्रम में इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महाविद्यालय के मुखिया संरक्षक प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव सर जिनसे दो तीन दिन पहले मैंने बात किया कि सर मैं एक कार्यक्रम रखना चाह रहा हूँ उसमें आपकी क्या राय है, तो उन्होंने सहर्ष कहा कि बेशक आप रखिए, तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगू और स्वागत करता हूँ कि सर का सहयोग और साथ में अनवरत मिला है। हमारे मित्र और बड़े भाई के रूप में जरूरत पड़ने पर हर समय हर पल मेरा साथ देने वाले प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा सर जो राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी से हम लोगों के बीच हैं, इतिहास के बड़े अध्येता हैं, सर का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर साहित्य परवेज जो हमेशा हमको बालकेश्वर भाई कह के बुलाते हैं, उनकी यादें हम हमेशा सहेजे रखते हैं। जब भी कोई भी बात होती है तो केवल संबोधन उनका यही रहता है, सर के प्रेम, सर के लगाव, सर के ज्ञान के क्षेत्र में जो अविस्मरणीय योगदान है, सर का भी इस साझी विरासत या मेलजोल की परंपरा पर आयोजित संगोष्ठी में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्वान साथीगण जिन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और
हम लोगों के बीच में आज इस संगोष्ठी में सम्मिलित हुए मैं सबका सामूहिक रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्र छात्राएं, जिनका वास्तव में अमूल्य योगदान है, क्योंकि इस संगोष्ठी का मतलब तब निकलता है जब छात्र हूं, श्रोता हूं, तो इसलिए आप सभी के धैर्य की मैं तारीफ करता हूं। बेसिकली समय में विलंब हुआ है, 1.5 घंटे हमारा कार्यक्रम विलंब हुआ है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग धैर्य से सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मीडिया के बंधु, पत्रकार बंधु एवं हमारे श्याम बिहारी जी, जो सर के साथ हमेशा चलते रहते हैं अर्दली, और उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर के जो लोग भी छूट गए हैं किन्हीं कारणों से, सबका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पहले सर की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को शेयर कर दूं, क्योंकि सर का संक्षिप्त परिचय भी हमको देना है, तभी तो स्वागत का क्रम पूरा हुआ है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1990 में प्रवेश लिया था, और सर करीब हमको लगता है 14-15 वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा किए हैं। प्रोफेसर आरिफ सर, वास्तव में इनके पढ़ाने की कला का मैं कायल रहा हूं। सर इतने सहज भाव से, इतने अच्छे ढंग से ज्ञान का संप्रेषण करते थे जिसको भूल पाना संभव नहीं है। संजोग था कि मुझे जब काशी नरेश, क्योंकि शुरुआती पोस्टिंग मेरी उत्तराखंड में हुई थी, तो वहां से दूर होने के कारण से संपर्क उतना नहीं हो पाता था, लेकिन काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आने के बाद, सर बनारस में रहते हैं इसलिए सर से संपर्क हो गया। सर के ज्ञान से हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते, बीच बीच में बातें होती रहती है। बेसिकली सर केवल जो है एज ए अध्येता ही इतिहास के नहीं है, सर बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं, सद्भावना मिशन के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, कि जो धर्म के बीच में आपसी वैमनस्य है उसको कैसे दूर किया जाए, और मानवतावादी हैं, मानवतावादी दृष्टि से सारी बातें सर करते हैं। और यही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय भी विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मालवी मिशन के तहत वहां पर जो है और इतिहास विभाग में, क्योंकि इतिहास विभाग में लंबे समय तक सर का योगदान रहा है, तो इतिहास विभाग के भी बहुत सारे विद्वान साथी सर को संगोष्ठी में, सर के विशेष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सर को बुलाते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अभी यूपी हिस्ट्री कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, हरिश्चंद कॉलेज में। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बनारस यूपी हिस्ट्री कांग्रेस का जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसमें मध्यकालीन इतिहास के आपको पूरे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सर को तालियों से स्वागत करिए। ये साफ साफ लगता है कि सर केवल डीआर महिला कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य नहीं हैं, बल्कि मध्यकालीन इतिहास के उच्च कोटि के मर्मज्ञ हैं। इसी का प्रतिफल है कि यूपी हिस्ट्री कांग्रेस का मेडिवल हिस्ट्री सेशन का आपको अध्यक्ष बनाया गया। तो सर की वास्तव में ज्ञान से हम लोग हमेशा सीख लेते रहते हैं। सर की बहुत सारी बातें हैं जिसका इतना लंबा चौड़ा इतिहास है कि बहुत सारी बातें नहीं है, क्योंकि समय कम है, इसलिए संक्षेप में सर के बारे में मैंने बताया। इसके बाद मैं प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा सर को मैं बताता हूं कि आज मैं जो रिसर्च है, हम लोग दोनों लोग साथ में ही इसी काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से 2004 में रिसर्च में इनरोल्ड हुए थे। सर डॉक्टर शाही सर के अंडर में थे और मैं डॉक्टर विजय प्रताप सर के अंडर में था, और हम लोग इसी महाविद्यालय के छात्र हैं, इसलिए हम दोनों लोगों की पीएचडी यहीं से कंप्लीट हुई है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से। और सर वास्तव में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन विभूतियां जो हैं, जैसे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यसेन वर्मा सर और जो है साहिद भाई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये केवल तीन नहीं है बल्कि त्रिवेणी के रूप में है, क्योंकि ये तीन विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं, दूसरे प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा सर हैं, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं, और शाहिद सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं। तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और तीनों वास्तव में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में तीनों विश्वविद्यालयों का नाम आता है। तो आप लोगों का परम संयोग है कि आप ऐसे विद्वानों को सुनेंगे और इनके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ मैं यह आपको बताना चाह रहा हूँ, वर्मा सर की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम लोगों का संबंध एक प्रकार का पारिवारिक संबंध है और हर मौके पर हर क्षण वर्मा सर हमारे साथ रहते हैं और हमेशा खड़े रहे, कभी जो है साथ हमारा छोड़े नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, आप उच्च कोटि के विद्वान होने के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवन आयोग, तमाम प्रकार के आयोगों में अपनी योगदान देते रहते हैं। तो वास्तव में आप उच्च कोटि के विद्वान हैं। प्रोफेसर मोहम्मद साहिद सर जो हम लोग, साहिद परवेज सर जो हम लोगों के बीच में हैं, वास्तव में मेडिवल हिस्ट्री के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। हम लोग ओरिएंटेशन कोर्स में, रिफ्रेशर कोर्स में हम लोगों का संपर्क हुआ और तब से आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं। आप पूर्णता एकेडमिशियन हैं, प्राचार्य कम हैं। आप कहते थे, अभी कल मेरी बात हो रही थी तो कह रहे हैं, सर हमारा जो है प्राचार्य सीट में मन नहीं लगता, मुझे लेखनी में मन लगता है। तो वास्तव में एक विद्वान साथी हैं और उनको वास्तव में रुचि है न कि जो है प्राचार्य सीट करने में। तो हम अपने तीनों महान विभूतियों को सादर नमन और वंदन करता हूं और तीनों लोगों का अभूतपूर्व योगदान है। साथ ही साथ आज का जो टॉपिक रखा गया है, भारतीय संस्कृति में मेल जोल की परंपरा, एक ऐतिहासिक दृष्टि में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे दो विद्वान साथी जो हैं हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी मेडिवल हिस्ट्री के हैं, तो साझी विरासत में बहुत सारी बातों को, मेल जोल की परंपरा में बहुत सारी बातों को वो बताएंगे। साहिद सर भी मेडिवल हिस्ट्री के हैं तो वो भी बहुत सारी बातें बताएंगे, और वर्मा सर आधुनिक भारत के हैं तो बेशक आधुनिक काल में क्या साझी विरासत रही है, क्या मेल जोल की परंपरा रही है, इन बिंदुओं पर वो सभी लोग अपना विचार देंगे, उससे आप लोग लाभान्वित होंगे। मैं मुख्य रूप से विषय प्रवर्तन के लिए कहा गया है तो विषय की मुख्य बातें बता दूं, जिसमें जो बात रखी गई है भारतीय संस्कृति में मेल जोल की परंपरा, मेल जोल की परंपरा है क्या वास्तव में। तो हम देखें, इंडियन कल्चर की बात कही जाता है तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, इंडियन कल्चर एक प्रकार की साझी विरासत है। ये नहीं है कि भारतीय कल्चर एक प्रकार का हिंदू कल्चर है, नो, ये हिंदू कल्चर नहीं है। यह भारत में आने वाले, हम अगर आर्यों से ले लिया जाए तो आर्यों का आक्रमण हुआ भारत में, आर्यों अनार्यों के बीच युद्ध हुआ, दशराग्य युद्ध इतिहास के नाम में जाना जाता है। तो उन लोगों ने जो आपस में लड़े झगड़े, उसके एवज में जो संस्कृति उभर करके सामने आई, वो हमारी साझी रियासत है। एंसेंट की, अब मैं तो इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये केवल आर्यन की मैं बात नहीं करता हूं, बल्कि इसके बाद से जिसने भी आक्रांता आए, जितने भी लोग बाहर से आए, इंटेलेक्चुअल आए, सब लोगों ने यहाँ की सभ्यता संस्कृति को प्रभावित किया और यहाँ से इन्होंने कुछ सीखा, और सीखने के बाद जो है यहाँ से सीखने के बाद यहीं पर रह करके यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आपको कब से मैं फोन लगा रहा था,
लेकिन आपका फोन नहीं उठा। हम निवेदन करेंगे अवधेश आर्य जी को कि सर का, क्योंकि हम महाविद्यालय के चीफ प्रैक्टर हैं, सर का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। घनश्याम सर से भी निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पर बैठें, और अवधेश आर्य जी से निवेदन करूंगा कि सर को भी माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। तो ठीक है, हम लोग अपने मूल बिंदु पर चलते हैं। कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी बातें इसमें सर लोग बताएंगे आप लोगों को, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं, भारतीय कल्चर केवल भारत हिंदू कल्चर नहीं है, बस इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि भारत पर अनवरत विदेशियों का आक्रमण हुआ है। केवल विदेशियों का आक्रमण ही नहीं हुआ है, बल्कि विदेश से में जो प्रवाहित संस्कृति है उसका भी आगमन हुआ है कि नहीं। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आक्रमण के साथ साथ बहुत सारे परंपरा, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारा विज्ञान, सब कुछ भारत में प्रवेश हुआ है, चाहे ईरानी के रूप में हो, चाहे यूनानी के रूप में हो, चाहे इंडो ग्रीक के रूप में हो, चाहे सार्सिथियन के रूप में हो, चाहे हुड़ो के रूप में हो, चाहे राजपूतों के रूप में हो, चाहे तुर्की के रूप में हो, चाहे अरबी के रूप में हो, चाहे मुगल्स के रूप में हो, चाहे अंग्रेजों के रूप में हो, चाहे पुर्तगालियों के रूप में हो, चाहे फ्रांसीसियों के रूप में हो, पूरी की पूरी चीजें भारत में समाहित है। भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है और भारतीय संस्कृति लोगों ने सीखा है। तो बेशक हम कहना चाहते हैं कि एंशेंट काल से, मेडिवल काल से लेकर के आधुनिक काल तक हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा रीति रिवाज, हमारी परंपराएं बहुत सारी प्रभावित हुई हैं, और उसी प्रवाह का प्रतिफल है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस पर विशेष रूप से प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे केवल विषय प्रवर्तन के लिए कहा गया है। हमारे विद्वान साथी जो मंच पर हैं, बेशक उनके लिए आप लोग सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ मूल बातों को मैं यह बता दिया कि ये मेल जोल की परंपरा जो है एक प्रकार का कंपोजिट कल्चर है, मिला जुला संस्कृति है, और मिला जुला संस्कृति एक प्रकार की साझी विरासत है, और उस साझी विरासत को लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर धर्म निरपेक्षता की बात होती है, यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। तो मैं किरण मैडम का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। किरण मैडम मंच पर आए तो अच्छा लगेगा, आप यहाँ पर आए, मंच पर आइए, एक सीट खाली है। ठीक ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी है हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक यहाँ पर उपस्थित हैं, और बेशक हमारे विद्वान साथियों को सुनने का, हमारे परम श्रद्धे मोहम्मद आरिफ सर को सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठा हैं। तो हम महेंद्र जी से कहेंगे, जो कि कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और कार्यक्रम के संचालन के लिए महेंद्र जी को धन्यवाद का धन्यवाद मैंने नहीं दिया, बेशक वास्तव में इनको एक बार मैंने कहा, इस हार्थ स्वीकार किए और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को निभाया। तो सबका मैं स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूं जो लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन डू इट, सक्सेस इज योर डेस्टिनी, स्टैंड अप, नेवर गिव अप। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन ऑन यूट्यूब।